आज की वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको दे देते हैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो है कि अगर आप ले आने का प्लान कर रहे हैं तो मेक श्योर आपके पास पोस्टपेड नेटवर्क हो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप प्रीपेड नेटवर्क मोबाइल या सिम कार्ड जो भी कहते हैं वो कैरी कर रहे हैं तो वो यहाँ पे वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि ले में लैंड होते ही आपके जो सिग्नल्स होंगे मोबाइल के वो सब चले जाते हैं। और अगर आप प्रेफर करते हैं हमारी तरह जर्नी, हम यहाँ पर लेकर आए थे प्रीपेड फोन ताकि हम अपनी सुकून भरी जो जर्नी है वो पूरी कर सके और कोई भी हमें डिस्टर्ब ना करें। और जैसे कि एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगी कि यहाँ पे लेह में और वैसे हर जगह पे आपको रहेगा इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम, तो अपने साथ पोर्टेबल चार्जर लाना ना भूलें, ताकि आप जब मोबाइल से इस ब्यूटी को कैप्चर करेंगे तो मोबाइल की जो बैटरी है ना वो बहुत जल्दी जल्दी डाउन होगी। तो आप अपने साथ अगर पोर्टेबल चार्जर लाते हैं तो आप कहीं पर भी उसको चार्ज कर सकते हैं। जैसे पैंगोंग में आपको इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो सकता है और नुब्रा में भी आपको, अगर आप कैंप साइट ऑब्वियसली आप कैंपिंग करने की सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कैरी करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी का, या बिल्कुल पोर्टेबल चार्जर कैरी करना होगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज लेह में हमारा सेकेंड डे और संभव ने डिसाइड किया है कि वो बाकी जर्नी है बाइक पर करेंगे और हम दोनों कार में। और आज हम घूमने वाले हैं तीन चार जगहों पर और सबसे पहली जो डेस्टिनेशन है आज की हमारी वो है हॉल ऑफ फेम और इसकी एंट्री टिकट है 125 रुपए पर पर्सन। हॉल ऑफ फेम जहां आप देखेंगे वीर गाथाओं की कहानियां, उनको पढ़ भी सकते हैं और आप ये अनुभव भी ले सकते हैं कि किस तरीके से कौन सी राइफल्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, किस तरीके से वो सियाचिन के ग्लेशियर और इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर रहकर वो किस तरीके से सरवाइव करते हैं और हमारी रक्षा करते हैं, तो ये सब कुछ आप इस म्यूजियम में देखेंगे। तो चलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा लाइट फ्लक्चुएट हो रही है और थोड़े टाइम बाद लाइट ही चली गई यहाँ पर, तो जितना बेस्ट हो पाया हम उतना ही कैप्चर कर पाए अंदर। तो अभी हम आए हैं वॉर मेमोरियल में और यहाँ पे उन सभी सोल्जर्स के नाम है, उन बहादुर सोल्जर्स में कहूंगी जिन्होंने अपने देश को बचाने के लिए शहीद हो गए। देखिए उन सभी के नाम यहाँ पर हैं। देख सकते हैं ये उन ब्रेव सोल्जर्स की सिमेट्रीज हैं जिन्होंने अपना नॉर्दर्न बॉर्डर को बचाते हुए जो शहीद हुए और 1947 और 1948 की जो वॉर हुई उसमें शहीद हुए। और अब हम निकल रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर और जो है मैग्नेटिक हिल, जिसे चुंबकीय पहाड़ या ग्रेविटी हिल भी कहा जाता है। और आप देख सकते हैं हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं यहाँ मैग्नेटिक हिल के पास। अब बताना चाहते हैं मैग्नेटिक हिल फेमस क्यों है। आइए आप देख सकते हैं मैग्नेटिक हिल के सामने एकदम स्ट्रेट रोड है। अगर आप अपना जो व्हीकल इस लाइन पे लेके आएंगे, ब्रेक मारेंगे तो स्ट्रेट रोड पे गाड़ी आगे मूव नहीं होती है, बट यहाँ पर अगर ब्रेक मारेंगे न्यूट्रल पे गाड़ी रखेंगे तो आपकी गाड़ी धीरे धीरे आगे जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक हिल अट्रैक्ट करता है व्हीकल को, इसलिए इसका नाम मैग्नेटिक हिल पड़ा। आप देख सकते हैं स्ट्रेट रोड पे गाड़ी सीधा आगे जाएगी।
और ये जो असर है ना, ये कार या फिर बाइक या ट्रक्स पर ही नहीं है बल्कि विमान यानी कि एरोप्लेन्स पर भी इसका असर दिखता है। तो कई पायलट्स का ये भी कहना है कि जब भी वो इस हिल के ऊपर से होकर गुजरे हैं तो उन्हें दबाव या फिर कंपन यानी कि वाइब्रेशन महसूस हुआ है, इसीलिए वो अपने विमान की गति को बढ़ा देते हैं जब भी वो इस हिल के ऊपर से गुजरते हैं। अतीत की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि भारतीय वायुसेना के विमानों को अपने मार्ग तक बदलने पड़ गए थे ताकि उन पर इस चुंबकीय शक्ति का कोई प्रभाव न पड़े। अब हम जा रहे हैं एक ऐसा संगम देखने जो ना शायद आपने कभी देखा होगा और ना ही कभी सुना होगा। जी हाँ, सिंधु और जंस्कार नदी का संगम। जो ले से आ रहा है, इधर जो आ रहा है, तो यहाँ से होके ये जा रहा है, वहाँ से आ रहा है, वो संस्कार रिवर है, तो दोनों मिलके जा रहा है इंडस बन के ये पाकिस्तान जा रहा है। और सर्दियों में ज्यादा ट्रैक के लिए जाता है यहाँ से अंदर, ये संस्कार रिवर से, संस्कार रिवर से जाता है ज्यादा ट्रैक के लिए सर्दियों में, जनवरी फरवरी में जाता है ज्यादा ट्रैक इसके अंदर। अभी राफ्टिंग के लिए जाना है इसके अंदर, फिर राफ्टिंग में जा सकता है। ये जो ग्रीन कलर की आप रिवर देख रहे हैं इसे कहते हैं सिंधु नदी, और ये यहाँ से बहती हुई आगे की ओर जाती है पाकिस्तान। और आप इस संगम को देखने के लिए लेह से ये है लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर, और आप कार या बाइक से यहाँ पर आ सकते हैं। अब हम जा रहे हैं गुरुद्वारे पत्थर साहिब में दर्शन करने। तो अभी हम दर्शन कर आए हैं गुरुद्वारा पत्थर साहिब का जी, और इसके पीछे बहुत ही अच्छी कहानी है कि एक राक्षस था जिसने, जो यहाँ पर लेह में आकर लोगों को, लेह में रहता था और लोगों को मारता था। तो गुरु नानक देव जी वो सब जगह अपना उपदेश देते तिब्बत से यहाँ पर लेह में आए जी। तो ले आए तो जब लोगों को पता चला तो लोगों को लगा कि अब उनको राहत मिल जाएगी इस राक्षस से। तो राक्षस बड़ा नाराज हुआ क्योंकि वो उसने पर ही बैठ के इसी जो आप गुरुद्वारा देख रहे हैं यहाँ पे बैठ के उन्होंने अपनी समाधि लगा रही थी, वो मेडिटेशन करते थे यहाँ बैठ कर। तो जो राक्षस था वो उस पर पहाड़ के ऊँची उस पर बैठता था चोटी पर, उस बहुत नाराज हुआ इस चीज़ से, और उसने जो है वहाँ से पत्थर गिराया, बहुत बड़ा पत्थर है और आप अंदर जाकर उस देख सकते हैं। तो वो पत्थर गिराया और वो पत्थर जैसे ही गुरु नानक जी की पीठ पर टच हुआ वैसे ही वो मोम बन गया, और जो गुरु नानक जी की जो पीठ थी वो पत्थर जो है ना उनके बैक में धंस गया। तो वो आप वहाँ पे जो देखेंगे भी पत्थर कि उसकी शेप में दिख भी जाएगा कि जहाँ पर उनकी बैक धंस गई थी। और ये जो देखकर राक्षस बड़ा खुश हुआ कि भाई फाइनली मैंने जो है गुरु नानक देव जी को मार दिया है। तो वो जब नीचे आया देखने के लिए तो गुरु नानक जी जिंदा थे और उसने उस पत्थर पर पैर मारा, तो आप उस पैर के निशान भी आप उस पत्थर पर देख सकते हैं। उसका राक्षस का जो पैर था वो भी धस गया उस पत्थर में, तब जाके उसकी आँखें खुली कि मैंने किसी एक भगवान के भक्त को उनकी भक्ति करते हुए परेशान किया है, तो ये बहुत बड़ा पाप हो गया है। और तभी उसने गुरु नानक देव जी के पैर छू लिए और फिर उसको भी उपदेश हुआ। तो जरूर आइए जब भी आप लेह आते हैं। हम बढ़ रहे हैं अपने सेकंड डे की लास्ट डेस्टिनेशन की ओर। आज हम आए हैं स्पितुक मॉनेस्ट्री, और इस मॉनेस्ट्री की हिस्ट्री ये है कि इसे 11वीं सदी में खोजा गया ऑड्डे द्वारा जब वो मार्यूल आए। हर धर्म की तरह बुद्धिज्म में भी कई संप्रदाय हैं, उन्हीं संप्रदायों में से एक की ये मॉनेस्ट्री है जिसे आम भाषा में येलो हेड कहा जाता है। स्पितुक का अर्थ होता है मिसाल, और वाकई में ये जो मॉनेस्ट्री है वो एक मिसाल के तौर पर देखी जाती है क्योंकि यहाँ पर भगवान बुद्ध की कई मूर्तियों के साथ आप देखेंगे हिंदू धर्म की देवी काली की एक विशाल प्रतिमा। यहाँ हर साल गुत्सर त्योहार होता है नवंबर महीने में जो कि 27वें से 29वें दिन तक चलता है, तो आप उस फेस्टिवल का यहां आकर मज़ा भी ले सकते हैं।
मॉनेस्ट्री के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो इसलिए हम आपको अंदर की फुटेजेस नहीं दिखा पाएंगे। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट एपिसोड में हम दिखाएंगे हमारी पेंगोंग की जर्नी। तो अगर आप देखना चाहते कि कैसी रही है, तो बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय।